लो जी, रमजान शुरू होते ही गिफ्ट मिल गया। जैसे अब रमजान में है तो सब लोग रोजा रहता है। फ्रूट इतना बारीक काटने में यार काफी मेहनत लगता है, मालूम है? फ्रूट चाट। हाँ, हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आप सभी भाइयों को मेरे तरफ से रमजान मुबारक। जी हाँ दोस्तों, मेरे तरफ से रमजान मुबारक दिल से। और मैं अभी बाहर निकला था तो चांद तो नहीं दिखा, लेकिन न्यूज में आया कि आज ही से मतलब रमजान है, आज से ही तरावी पढ़ाई जाएगी और सहरी भी आज रात को ही खाई जाएगी। तो मैं आज इस वीडियो में कुछ खास करने वाला हूँ। कुछ खास एक मतलब जो भी हाउस ड्राइवर मतलब सऊदी अरब में काम करते हैं, तो बाकी नॉर्मल दिनों से रमजान महीने में क्या रूटीन होती है, और भी किसी ड्राइवर से मिलकर हम उनसे पूछेंगे मतलब किस हिसाब से ड्यूटी होती है रमजान महीने में, और ज़्यादा ड्यूटी रहती है बाकी दिनों से, या फिर कुछ उसमें सहूलियत दी जाती है रमजान महीने में। सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे और आपको देखने में भी मजा आएगा और सब कुछ और जानने के लिए भी मिलेगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और हम जानेंगे इस वीडियो में किस हिसाब से हम लोग सहरी और इफ्तारी करते हैं, कि क्या क्या लाते हैं, क्या क्या यूज करते हैं खाने में, इफ्तारी में या फिर सहरी में। सब कुछ आपको इसी वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन हाँ सहरी से लेके इफ्तारी तलक जरूर कवर करूंगा और आप सबको दिखाऊंगा भी क्या क्या रूटीन है, क्या सहरी में है, क्या इफ्तारी में है, सब कुछ दिखाएंगे हम। और वीडियो अपलोड करने में हो सकता है 1 से 2 दिन लग जाए, क्योंकि अभी पता नहीं है ड्यूटी किस हिसाब से लगेगा और कितना टाइम हमें मिलेगा, तो इसका तो पता नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कर दूं। देख सकते हैं अभी अजान हो रहा है, ऐसा का टाइम हो गया है, अभी चलते हैं नमाज पढ़ने और तरावी भी पढ़ेंगे, उसके बाद में आज से रमजान शुरू है। तो आप सभी भाइयों को रमजान मुबारक। ये सब गाड़ी तरावी के लिए रुकी हुई है, यहाँ ये रहा मस्जिद, यहाँ नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद अभी थोड़ी देर बाद 5 मिनट के बाद में देखना ये यहाँ पे जो रोड है पूरा जाम हो जाएगा, गाड़ी से बिल्कुल भी जगह नहीं रहेगा आने जाने के लिए। अभी नमाज हम लोग का ख़त्म हो गया, अभी यहाँ 9:05 हो रहा है और तकरीबन वही 50-55 मिनट लगा। यहाँ 8 रकात तरावी पढ़ाया जाता है और 3 रकात वित्र, बाकी शहरों में तो पता नहीं। फिलहाल रियाद में जहाँ भी मैं पढ़ा हूँ बस यही मतलब 8 रकात ही पढ़ाया जाता है, इतना मालूम है। और अभी से ड्यूटी शुरू, यानी ऐसाबाद में ड्यूटी शुरू होता है रमजान महीने में, और ड्यूटी करते हैं उसके बाद में किसी और ड्राइवर से मिलते हैं, जानते हैं उनका क्या रूटीन है, मतलब रमजान महीने में ड्यूटी किस हिसाब से लगता है उनका। और वीडियो में बने रहिए, सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। ये मालूम नॉर्मल दिन जैसे 11 महीना होता है और रमजान महीना 1 महीना होता है, तो मतलब सऊदी लोग जैसे ड्यूटी, हम लोग ड्राइवर लोग है ठीक है, तो बाकी दिनों से क्या फर्क, जैसे ड्यूटी कम हो जाता है या फिर और किसी तरह आराम, क्या फर्क है? जैसे अब रमजान में है तो सब लोग रोजा रहता है, तो उतना ये मतलब ये नहीं करता है, ज्यादा ड्यूटी भी नहीं रहता, पूरा दिन तो बिल्कुल नहीं रहता है ना। अब सुबह का सहरी खाओ है ना, और उसके बाद से नमाज पढ़ो, कोई काम है तो करो, तो वो ऐसा बाद ही आएगा, तरावी के बाद ही काम, उसके बाद से आप जाओ सो जाओ, फिर उसके बाद से देखो अब आप उठ गया तो जोहर के नमाज पढ़ो, असर के पढ़ो, यानी दिन में तो कुछ काम, कोई काम नहीं रहता, जो भी रहेगा मगर भी ऐसा बाद ही रहेगा। अभी थोड़ा सोया था, ड्यूटी किया उसके बाद में सो गया था, अभी रात के यहाँ 2 बज रहे हैं देख सकते हैं, और चलते हैं सहरी की तैयारी करते हैं, देखते हैं क्या है खाने में और सहरी करते हैं। नहीं, वो सब्जी लाओ मेरा। सहरी का खाना कुछ खास तैयारी नहीं हुई थी हम लोग की सहरी में, तो बस कुछ खास नहीं है, बस जो भी है काम चलेगा, क्या करें, हाउस ड्राइवर में जितना भी टाइम मिलेगा उतना तो करना पड़ता है। अभी बस आलू की सब्जी है देख सकते हैं और उबाला हुआ अंडा है, फिलहाल आज इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो भाई लोग, हम परदेशियों के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, बस वीडियो देख के मत जाया कीजिए, बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए कीजिए ठीक है। चलिए अभी हम लोग ने फटाफट खाना खाया, तो उसके बाद में थोड़ी देर में अजान हो गया, तो फजर का नमाज पढ़ के अभी रूम पे जस्ट पहुंच रहे हैं अभी, और यही है
लोग अभी ये लोग जो काम करने के लिए आए हैं, ये देख सकते हैं पीछे, अभी पहले 8 बजे से स्टार्ट होता था, अभी समझ लो सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जा रहा है इन लोगों का काम, ताकि 11 बजे तक ख़त्म हो जाए। सो के उठा, नहाया धोया, नमाज़ पढ़ा और अभी टाइम हो गया ड्यूटी का, थोड़ा ड्यूटी कर लें, थोड़ा सामान लेके आएंगे, उसके बाद में फिर कुछ काम रहेगा तो सही है, नहीं तो फिर इफ्तारी की तैयारी की जाएगी। ये रही गाड़ी अपनी, धन्नो गाड़ी में बैठते हैं, फटाफट निकलते हैं, सामान ले लेते हैं जो ऑर्डर है घर का, उसके बाद में फिर आएंगे, फिर इफ्तारी की तैयारी की जाएगी। लो जी, रमजान शुरू होते ही गिफ्ट मिल गया, रमजान करीम का गिफ्ट मिल गया। ओ वाह 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 वाह, ये रहा घंटी। तो भाइयों, आप सबको भी रमजान करीम, रमजान मुबारक, ये रहा मेरी तरफ से गिफ्ट। जो भी काम था ख़त्म हो गया और अब टाइम आ चुका है इफ्तारी की तैयारी करने की, तो फटाफट चलते हैं और इफ्तारी की तैयारी करते हैं, क्योंकि 5:40 ऑलरेडी हो चुका है। फ्रूट इतना बारीक काटने में यार काफ़ी मेहनत लगता है, मालूम है वैसे खाने से कितना आराम रहता है, लेकिन ऐसे खाने में काफ़ी मज़ा मिलेगा। अभी तो ये देख सकते हैं, एप्पल हो गया, ग्रेप्स कटिंग हो रहा है, अभी मैंगो बाकी है। आम, ये रहा मैंगो, मैंगो इस तरह कुछ पका हुआ है, अभी मैंगो भी बारीकी से कटिंग हो गया, अब इसमें हम बाकी फ्रूट में मिक्स करते हैं। आप लोग भी इसी तरह बारीक कटिंग करके ट्राई करना फ्रूट, उसके बाद बताना इसका टेस्ट कैसे बदलता है। अभी हम इस फ्रूट में चाट मसाला यूज करेंगे। हाँ बस इसके साथ खजूर भी डालेंगे ना, खजूर। अच्छा, खजूर और टेस्ट बढ़ेगा, है ना। और अब हम इसमें डालेंगे दही, मेरा फ्रूट चाट, फ्रूट चाट। हाँ, तो दोस्तों आज हम लोग का इफ्तारी, फास्ट इफ्तारी है, देख सकते हैं क्या क्या है। ये कच्चा चना है और ये पका चना है और ये खजूर है, यहाँ रहा आलू का पकौड़ा और ये भी इसको क्या बोलते हैं, कप्सा, हाँ मटन कप्सा, और यहाँ है थोड़ा मोड़ा फ्रूट। तो फास्ट इफ्तार हम लोग का कुछ इस तरह है, माशाल्लाह फास्ट इफ्तार है। और बंधु फास्ट इफ्तार है, सामान तो काफी ज्यादा हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये आज हम लोग का फास्ट इफ्तार है, माशाल्लाह। तो आप सबने जैसे कि देखा कि शहरी से लेके इफ्तारी तक मैंने सब वीडियो कवर किया, तो यही है हम लोग, मतलब हम हाउस ड्राइवर लोगों की रूटीन रमजान महीने में। और ये रहा अपना बांग्लादेश का बंधु भाई, और ये रहा अपना मुबारक, मुबारक। तो लेकिन हाँ, इसके बाद जो वीडियो आएगा वो काफी कमाल करेगा, कुछ अलग, और इन सब वीडियो से काफी हटके रहेगा, है ना। इसका फुल वीडियो छोटा हो गया है, ये मेरा बंधु है, मेरा भाई बंधु। तब मुबारक, और कुछ कहना है। अरे भाई, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए यार, मेरा रहीम भाई तो मेरा बहुत परेशान है। कर दीजिए, कर दीजिए, रमजान का महीना है, मुबारक महीने में जल्दी जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। और एक बात और, इसके बाद जो वीडियो आएगा इन सब वीडियो से बिल्कुल अलग होने वाला है इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।